आपका अपने पटल पर करबद्ध अभिनंदन करती हूँ। आइए माँ शारदे को नमन करें, वे हमारी बुद्धि की धार को तीक्ष्ण रखें। सर्वप्रथम हम जानेंगे विशेषण का अर्थ एवं भेद। विशेषण, विशेष्य एवं प्रविशेषण से हम सब परिचित होंगे। यहाँ पर मैंने एक कविता ली है। इस कविता में विशेषता बताने वाले शब्दों को हरे रंग में रंग दिया है। हरे भरे मैदान यहाँ पर, निर्मल पावन नदियाँ हैं, फुलवारी में फूल हैं सुंदर, मोहक महकी कलियाँ हैं, रंग बिरंगे पंखों वाली तितली, भौरे काले हैं, भौरे के गुनगुन करते सचमुच गीत निराले हैं। इस धरती पर प्यार लुटाती कुदरत का आभार बड़ा, प्यारी कुदरत ने दे डाला मनचाहा उपहार बड़ा। आओ मिलकर हम कणकण को सुंदर करने का प्रण लें, शुभ मंगल इस काम को करने में आगे न एक क्षण लें। तो यहाँ पर जितने भी हरे रंग के शब्द हैं वे सारे विशेषण हैं। आगे एक और गद्यांश ले लेते हैं। यह खेतों का मनमोहक दृश्य है। उपजाऊ खेतों में हरी भरी फसल खड़ी है, मेहनती किसान फसल को सींच रहे हैं। नलकूप से निकलकर पानी लंबे पाइप के सहारे खेत में जा रहा है। पहले यही काम नालियों के सहारे किया जाता था, इससे खूब सारा पानी बेकार हो जाता था। अब खेती में जागरूक व नौजवान किसान वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी पैदावार होने से उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। इससे गांव की पुरानी तस्वीर बदलकर नए तथा खुशहाल रूप में ढलती जा रही है। इस गद्यांश में इन जोड़ों को ध्यान से देखिए। मनमोहक दृश्य, उपजाऊ खेत, हरी भरी फसल, मेहनती किसान, लंबे पाइप, खूब सारा पानी, जागरूक व नौजवान किसान, वैज्ञानिक तरीके, अच्छी पैदावार, पुरानी तस्वीर, नए खुशहाल रूप, ये पीले रंगीन शब्द अपने आगे लिखे हरे शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः विशेषता बताने के कारण ये पीले शब्द विशेषण हैं, तथा ये शब्द जिन हरे शब्दों की विशेषता बता रहे हैं वे विशेष्य हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। यह उत्तराखंड का प्रसिद्ध नगर नैनीताल है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ ताल में बहुत सी नावें दिखाई देती हैं। कुछ पर्यटक नौका विहार अवश्य करते हैं। रात के समय लोग विशाल ताल के किनारे किनारे घूमते हुए इस अप्रतिम दृश्य का आनंद लेते हैं। चांद की दूधिया चांदनी में इसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। वास्तव में नैनाभिराम एवं नैसर्गिक दृश्यों से भरे नैनीताल की सैर हर पर्यटक के लिए अविस्मरणीय हो जाती। इस गद्यांश में इन जोड़ों को देखिए। प्रसिद्ध नगर, प्राकृतिक सुंदरता, हजारों पर्यटकों, बहुत सी नावें, कुछ पर्यटक, विशाल ताल, अप्रतिम दृश्य, दूधिया चांदनी, नैना अभिराम व नैसर्गिक दृश्य, अविस्मरणीय सैर आदि। यहाँ पर ये हरे रंग के शब्द अपने आगे लिखे पीले रंग के शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः विशेषता बताने के कारण ये सभी शब्द विशेषण हैं, तथा ये शब्द जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं विशेष्य हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। इसलिए कहा जा सकता है संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।
जैसे भला, बुरा, दयालु, आयताकार, मेहनती, हरा, गोरा, राष्ट्रीय, सातवां, खट्टा, गोल, मीठा, चौकोर यानी के चौरस, 5 लीटर, 2 मीटर, कुछ आदि। जैसे काली चींटी, भला आदमी, सुंदर गुलाब, इनमें चींटी, आदमी और गुलाब शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, अतः ये शब्द विशेष्य हैं। वाक्य में विशेषण का स्थान, विशेष्य से पहले, इसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, काला वस्त्र, ऊंचा पहाड़, या ध्यान रहे कि विशेषण के बीच कोई अन्य संज्ञा शब्द ना आए। विशेष्य के बाद इसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह बालक अच्छा है, यह दृश्य सुंदर है। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे युवा नेता, भीषण गर्मी, भयंकर वायरस, 10 किलोग्राम चावल, लंबा पुल, वह पेड़ आदि में रंगीन शब्द विशेष्य हैं। जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत तेज हवा, तेज यहाँ पे विशेषण है, आगे उसके प्रविशेषण बहुत लग गया, बहुत तेज हवा, बड़े गंदे लोग, बहुत महंगी कार, एकदम स्पष्ट बात, बड़ी सुरीली आवाज आदि, ये रंगीन शब्द प्रविशेषण हैं। विशेषण शब्दों का कार्य संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को विशेषता देकर सजाने संवारने का कार्य विशेषण करते हैं। यदि ये न होते तो विशेषताओं को विस्तार देकर बताना पड़ता। रजत किसी भी तरह की भयभीत करने वाली बात से ना डरने का गुण रखता है। विस्तार के साथ रजत निडर है, रजत निर्भीक है आदि विशेषण के साथ। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएं विशेषण, वह विशेष्य से पहले और बाद में आकर उसको खूब सजाए। विशेषण शब्दों के भेद, विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, दशावस्था, आकार, प्रकार, काल, स्थान, स्वाद आदि से जुड़ी विशेषताओं का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे निडर, अस्वस्थ, काला आदि। उदाहरण ले लेते हैं। दशहरा भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन राम ने दुष्ट रावण का वध किया था। दशहरे के दिन स्थान स्थान पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं। जब इन पुतलों में आग लगती है तो सभी लोग खुश होते हैं। इन वाक्यों में रंगीन पीले शब्द, प्रसिद्ध, दुष्ट, बड़े बड़े, खुश ऐसे विशेषण हैं जो अपने साथ आए संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, आकार, प्रकार, स्थिति का बोध करा रहे हैं। जैसे प्रातःकालीन सैर स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग प्रतिदिन सैर के लिए जाते हैं। इन वाक्यों में पीले रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। पहचान का नियम, विशेष्य से कैसा, कैसी, कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। उदाहरणों को इस नियम पर परख कर देख लेते हैं। प्रश्न, कैसे शॉल, उत्तर काश्मीरी। प्रश्न, कैसी साड़ियाँ, उत्तर बनारसी। कैसी पैंट, उत्तर नीली। कैसी कमीज, सफ़ेद। कैसी सैर,
संध्याकालीन या प्रातःकालीन। कैसे बल्लेबाज? उत्तर विस्फोटक। कैसा जीवन? उत्तर सारा या स्वस्थ। कैसा, कैसी, कैसे से उत्तर मिलने पर गुणवाचक विशेषण होता है। कैसे, कैसे गुणवाचक शब्द, रूप रंग बताने वाले शब्द, हरा, आसमानी, पीला, रंग बिरंगा, मनमोहक, प्यारा, सुंदर, करूप आदि। गुण दोष बताने वाले शब्द, मेधावी, सहनशील, निडर, ईर्ष्यालु, मक्कार, लड़ाकू, क्रूर, भला, बुरा, सच्चा, दानी, क्रोधी, शांत, कंजूस, न्यायप्रिय, आततायी, परिश्रमी, सरल, मृदुभाषी, भोला, चालाक, छली आदि। दशावस्था बताने वाले शब्द, स्वस्थ, अस्वस्थ, पतला, गीला, रोगी, बलवान, धनी, निर्धन, पक्का, अधपका, कच्चा आदि। आकार बताने वाले शब्द, गोल, तिरछा, तिकोना, लंबा, सीधा, सुडौल, ऊंचा, चपटा, चौड़ा, गोल, चौकोर, आयताकार आदि। स्वाद, गंध बताने वाले शब्द, कड़वा, कसैला, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, सुगंध, दुर्गंध, चटपटा, बदबूदार आदि। स्थान बताने वाले शब्द, भीतरी, बाहरी, निचली, ऊपरी, कोल्हापुरी, जयपुरी, स्थानीय, राष्ट्रीय, मध्य, किनारे आदि। समय या काल बताने वाले शब्द, दैनिक, मासिक, वार्षिक, ताज़ा, बासी, नवीन, प्राचीन, संध्या, आगामी, आधुनिक आदि। अन्य शब्द, सख्त, मखमली, मुलायम, चिकना, खुरदरा, मलमली। स्पर्श बोधक हैं, बढ़िया सा, प्यारा सा, दुबला सा के प्रयोग से बने विशेषण शब्द हैं। हमारी अध्यापिका मीठी वाणी और सरल स्वभाव वाली हैं। ये हमें वार्षिक पिकनिक पर समुद्र दिखाने ले गई। समुद्र का पानी खारा व नीला था। वहाँ हमने छोटी बड़ी मछलियों को देखा। अध्यापिका ने बताया कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। ऊपर वाक्यों में रंगीन शब्द, गुण, रंग, रूप, स्वभाव, समय आदि का बोध करा रहे हैं। अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। संख्या वाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक, चार, सात, पहला, चौथा, सातवां, सैकड़ों, हजारों, अनेक, कुछ, थोड़े। संख्यावाचक विशेषण इसके उदाहरण देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, खेल के मैदान में सात बच्चे दौड़ लगाने के लिए तैयार खड़े हैं और बहुत से दर्शक भी उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में मौजूद हैं। दौड़ शुरू हुई, जिनमें से राम, मोहन, श्याम क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहे। इन वाक्यों में रंगीन शब्दों में सात निश्चित, बहुत से अनिश्चित, पहले, दूसरे, तीसरे शब्द निश्चित क्रम संख्या का बोध करा रहे हैं, यानी कि हमें ज्ञान दे रहे हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। हम छह दोस्त हैं, हर शाम के समय घूम रहे थे, तभी देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया ने एक घोंसला बनाया था। उस घोंसले में चार चूजे थे, उनकी माँ उन्हें दाना खिला रही थी। ऊपर कहे गए वाक्यों में छह, एक, चार शब्द दोस्त, पेड़, घोंसला, चूजे की संख्या का बोध करा रहे हैं। कितना, कितनी अंक बताएं तब संख्यावाचक विशेषण होता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। नाना जी मेरे लिए 800 रुपये में एक शब्दकोश सहित कहानियों की चार पुस्तकें लाए। मैंने उन्हें पांच शब्द सीखने तथा दो कहानियां प्रतिदिन पढ़ने का आश्वासन दिया। मैं शब्दकोश से बहुत सारे शब्दों के अर्थ खोजता हूँ। सैकड़ों हजारों वर्षों से विकसित होती भाषा में प्रतिवर्ष कई शब्द जुड़ते जाते हैं।
वाक्यों में संख्यावाचक विशेषणों को हरे रंग से मैंने दर्शा दिया है। 800 रुपये, एक शब्द कोश, 4 पुस्तकें, 5 शब्द, 2 कहानियां आदि से विशेष्यों की निश्चित संख्या का पता चल रहा है। इसके विपरीत बहुत सारे शब्दों, सैकड़ों, हजारों, वर्षों और कई शब्द आदि से शब्दों के विशेष्यों की निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है। जैसे रमन को जन्मदिन पर मामा जी ने 500 रुपये का नोट दिया था, उसने उनमें से कुछ चॉकलेट, 6 पैकेट रबड़ और शार्पनर, 60 पेंसिलें तथा कुछ नोटबुक्स आदि सामान गरीब बच्चों के स्कूल में बांट दिया। यह जानकर मामा जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सोच लिया कि गरीब बच्चों के लिए अगले जन्मदिन पर वे उसे थोड़े और अधिक रुपए तथा थोड़ा सामान लाकर देंगे। गद्यांश में संख्यावाचक विशेषणों को रंगीन किया गया है। 500 रुपये, 6 पैकेट रबड़ और शार्पनर, 60 पेंसिलें आदि से निश्चित संख्या का पता चल रहा है और कुछ थोड़े और अधिक तथा थोड़े शब्दों से निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कैसा, कैसी, कैसे से उत्तर पाएं तो गुणवाचक विशेषण कहलाएं, कितना, कितनी अंक बताएं तब संख्यावाचक विशेषण कहलाएं। इस आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की निश्चित संख्या का पता चलता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। रोमांचक मैच में बल्लेबाज ने धुआंधार 80 रन बनाए और 3 विकेट ले लिए। मैच में टीम ए का 3रा विकेट बहुत जल्दी गिर गया। अच्छा खेलने के कारण टीम ए ने लगातार 10वीं जीत अर्जित की। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के और उदाहरण देखते हैं। जैसे 2 आक्रामक बल्लेबाज अभी क्रीज पर हैं। पांड्या ने 80 रन बनाए। बच्चों को छुट्टियों में 5 कविताएं और 10 कहानियां पढ़कर लाने का काम दिया। 7वीं कक्षा के बच्चे 8वीं कालांश यानी के पीरियड में कबड्डी खेलने गए। ये तो थी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जान लेते हैं। विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध ना कराने वाले विशेषण को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस बल्लेबाज ने काफी रन बनाए, क्लियर नहीं है कि कितने बनाए। भारत में क्रिकेट मैच देखने बहुत लोग जाते हैं। चिड़ियाघर में बच्चों ने देशी विदेशी सैकड़ों चिड़ियां देखी। कुछ बच्चे अपनी मम्मी पापा के साथ नाटक देखने पहुंच चुके थे। पहचान का नियम, विशेष्य में कितना, कितनी, कितने लगाने से जो संख्या से जुड़ा उत्तर प्राप्त होता है तो संख्यावाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं दुकान पर 2 किलो दूध लेने गया। मैंने दुकानदार से कहा, अंकल झाग सहित दूध नापने से थोड़ा दूध कम हो जाता है, कृपया ठीक से नापिए। बाद में मैंने 250 ग्राम पनीर तथा 1/2 किलो दही भी ली। उपयुक्त वाक्यों में 2 किलो, थोड़ा, 250 ग्राम तथा 1/2 किलो शब्द नाप तौल संबंधी विशेषता बता रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जा सकता है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहचान का नियम, विशेष्य में
कितना, कितनी, कितने लगाने से जो नाप तौल से व मात्रा से संबंधित उत्तर प्राप्त होता है वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कितने काजू, उत्तर 5 किलोग्राम। निश्चित नाप तोल का पता लगने के कारण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कितनी नमकीन, थोड़ी। निश्चित नाप तोल का पता ना लगने के कारण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के रूप में 4 प्रकार के सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम शब्द, यह, ये, वह, वे, इस, उस, इन, उन आदि। विशेषण के रूप में, जैसे यह पुस्तक बहुत पुरानी है, इस पुस्तक में बहुत सी रोचक बातें हैं, वह पुस्तक एकदम नई है, उस पुस्तक में नए लेखकों की रचनाएं हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द, कोई, कुछ आदि। विशेषण के रूप में, जैसे कोई छात्र कार्यालय के बाहर खड़ा है, वह कुछ शिकायत जरूर करेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द, कौन, किस आदि के विशेषण के रूप में, जैसे कौन गायक अब ऐसा है जो अपने गायन से बारिश करवा सके, किस मोबाइल में ऐसे फीचर होंगे जैसे इस मोबाइल में है। सार्वनामिक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इस बाग के ये फल बहुत मीठे हैं, उस वृक्ष पर कोयल कूक रही है, इस, ये, उस शब्द बाग, फल, वृक्ष की ओर संकेत कर रहे हैं। यह सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा बाग, फल, वृक्ष की विशेषता बता रहे हैं। संबंध वाचक सर्वनाम शब्द, जो, जिन आदि विशेषण के रूप में, जो छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे उनकी परीक्षा अगले सप्ताह होगी, जिन छात्रों को इसमें उच्च स्थान प्राप्त होगा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। निज यानी अपना, अपनी, अपने का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में किया जाता है, जैसे यह अपना देश है, अनेकता में एकता वाला प्यारा देश, हमें निज देश व भाषा पर गर्व होना चाहिए। पहचान का नियम, सामान्य रूप से वाक्य में कौन सा, कौन सी, कौन से व किस व किन लगाने से जो सर्वनाम शब्द उत्तर के रूप में प्राप्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। निश्चयवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण में अंतर, यह, ये, वह, वे आदि सर्वनाम शब्द जब संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसके विपरीत, जब वे किसी पास या दूर की वस्तु की ओर संकेत भर करते हैं तब वे निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे फल कितने स्वादिष्ट हैं, सार्वनामिक विशेषण वे, फल संज्ञा शब्द से पहले आने के कारण। वे मुझे खरीदने थे किंतु मैं बटुआ घर भूल आया, यानी कि पर्स। निश्चयवाचक सर्वनाम वे फलों की ओर संकेत करने के कारण। अन्य उदाहरण देख लीजिए, वह कविता मेरे छोटे भाई ने लिखी है, सार्वनामिक विशेषण, वह मेरी प्रिय कविताओं में से एक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। पाठ से क्या जाना, क्या पाया? विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। बहुत कम, थोड़ा तथा अधिक आदि शब्द विशेषण की भी विशेषता प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को
प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या संख्यावाचक विशेषण आएंगे, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा अंत में सार्वनामिक विशेषण। क्या कहता है विशेषण शब्द? विद्यार्थियों, वी कहता है विवेकी बने, श कहता है शिष्ट बने। श कहता है विद्यार्थियों के लिए आवश्यक षट यानी छह गुणों का अनुपालन, अनुशासन, अनिद्रा, अनुराग, अध्ययनशीलता, अहिंसा, आज्ञा पालन आदि अवश्य करें। और न यानी के न कहता है नवीन सोच, निष्पक्ष व्यवहार, नैतिक विचार रखें और सदा नम्र बने रहें। सभी खूबियां बतलाए व विशेषण कहलाए, अंक सभी यह वह संज्ञा संग विशेषण के अंदर हैं समाए, नाप तोल जुड़ जाए तो परिमाणवाचक बन जाए, यह वह संज्ञा संग खुद को विशेषण अलग रूप में पाए, दो दस ज्यादा कम संख्या परिमाण बताए, निश्चित और अनिश्चित इस कारण कहलाए, ये वे इस उस इन उन ये सब संज्ञा से पहले आकर सर्वनाम भी गदगद होता रूप विशेषण का पाकर, कैसा कैसी कैसे से उत्तर मिले तो गुणवाचक, कितना कितनी अंक बताएं तब संख्यावाचक, गुण संख्या परिमाण भेद है चौथा सर्वनाम जैसा। So students, if you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, like and subscribe, do share with your friends, I will really appreciate. विशेषण शब्दों की अवस्थाएं इस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। Thank you very much, see you in the next one.